अपनों को पाने के लिए दर दर की ठोकरें एक परिवार को खानी पड़ रही हैं। सरकार तक बात पहुंचने के लिए परिवार ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अभी भी परिवार अपनों से नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसा ही एक मामला कलेक्टर में भी देखने को मिला। शुक्रवार को अपनों से मिलने के लिए एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें बताया गया कि गत दिनों क्षेत्र के शमशाद और यूनुस अंसारी ने भोपाल सिंह को विदेश भेजने के नाम पर 2 लाख रुपए ठगे थे। तो वहीं कृष्णपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सभी ने सौंपे शिकायती पत्र में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम कृष्णपाल है। क्या क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ सलेमपुर के शमशाद है यूनुस, उन्होंने दिया गया वहाँ आके बोला कि मैं अप्लाई कर दिया हुआ 2 साल का, और वहाँ मेरे साथ जो व्यवस्थी करके काम करा रहे थे, मैंने उसके घर आने के लिए कहा था, उन्होंने मेरा पासपोर्ट वासपोर्ट चेंज करके पास रख लिया था। कहाँ पर गए थे? दुबई में। अच्छा। और फिर मेरा पासपोर्ट हमने पास रख लिया, मैंने कहा कि मैं अपने जा रहा हूँ वापस, तो मेरे साथ जो व्यवस्थी करने लगे, मेरा पासपोर्ट वीजा छीन के रख लिया, और मेरे कपड़े उपड़े भी वहीं हैं दुबई में, सारा सामान। और जी काम करवाया, मेरे साथ मैं काम भी कर रहा हूँ वहाँ, 10-11 महीने काम करा मैंने, उसका कोई पैसा उसका मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे साथ कम से कम 25-30 लड़के, कुछ इंडिया के थे, कुछ बंगाल के, पाकिस्तान के, 25-30 लड़के सीबीआई वालों ने छापा मार के साइड पर से काम करके आए थे हम, उन्होंने पकड़ लिया था हमें। उसके बाद मैंने 2 महीने जेल में भी रखा दुबई में। और जी जब मैंने अपने एजेंट से साथ से बात की, मेरे पैसे मेरा पासपोर्ट उसपोर्ट दो, तो उसने मुझे पासपोर्ट भी नहीं दिया, और जी वैसी टाल तर आ गई घर वालों को, अरे मैं इसके पैसे दे दूँगा, आज तक भी इसने पैसे कुछ नहीं दिए। बोल रहा है कि 20,000 रुपये लेने हो तो ले लियो, वरना मैं पुलिस को पैसे देख के ये भी तुम्हारे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करवा दूँ, और तुम्हें जेल में द्वार में भिजवा दूँ। यहाँ कैसे हम बात में यहाँ वहाँ क्या उसने यहाँ तो वहाँ की पुलिस ने मुझे भेजा रेंट भेजा वहाँ वहाँ की पुलिस ने भेजा है मुझे, और तो जेल में कैदी थे, उनसे मैं पैसे लेकर के 10-10, 5-5 रुपये ऐसे ही लेकर उनसे किराए के लिए भर के वापस आया, और जी मेरे पास कपड़े वगैरह कुछ नहीं थे पहनने के लिए, ऐसे ही आ। इसकी शिकायत आपने यहाँ पर आम आदमी आकर किसी की? जी नहीं की। किससे की है? जो यहाँ के कप्तान साहब हैं उनसे आज इनकी शिकायत की है, जो कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुकदमा करने के लिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब जो है मीटिंग में थे, तो SP देहात साहब से मुलाकात मैंने इनकी कराई है, और इनकी घटना को देखकर जो है पूरा इनका 2 पेज का जो है प्रस्ताव है, पूरे प्रार्थना पत्र है, उससे लगता है कि इनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। और ये घटना जो है हमारे बिजनौर में कई लड़कों के साथ हुई है, तो उन जो ये बिना एजेंट की मान्यता लिए हुए और लोगों को जो है दुबई में और अरब कंट्रियों में भेज रहे हैं, तो इससे बड़ा लोगों में रोष है, और लोग अपनी ज़मीन बेचकर और कर्जे पर रुपया लेके और विदेश जाते हैं। तो इसलिए जो है आज कप्तान साहब से मिलकर मैंने जो है इनकी बारे में बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें मुकदमा कायम करा के और इसको न्याय दिलाएंगे।